माँ चाय लो। तूने खाना खाया ना? हाँ खाया। छोटी कहाँ है माँ? अंदर सो रही है। उस पुलिस थाने में भी चाय देना है माँ, मैं देकर आता हूँ। संभल कर जाना। हाँ अच्छा बाकी का तू रख ले। आइए। वैसे हम जो तुम्हें पैसे बख्शीश में देते हैं ना, वो लेकर तुम क्या करते हो? क्या है कि मेरी एक बहन है साहब, उसे अभी 6 महीने ही हुए हैं। उसे स्कूल में भर्ती कराना है, किताबें पेंसिल खरीद कर देना है। मेरी जो माँ है ना साहब, वो मजदूरी करती है। उसका काम छुड़वा कर घर में बिठा कर मैं खुद उन्हें पालूंगा, और उसके लिए पैसा लगेगा ना साहब। आप जो बख्शीश देते हैं, घर जाके गुल्लक में डाल देता हूँ। वेरी गुड वेरी गुड। अम्बी आज हम घर बदल रहे हैं, तो वहाँ कलर वगैरह कराने के लिए, सामान पहुँचाने के लिए तुम्हें मैडम की मदद करने के लिए आना होगा। शाम को आना, मैं तुम्हें पूरे 5 रुपए दूंगा। 5 रुपए? मैं आ जाऊंगा साहब। ए, मेरा घर कहाँ है पता है ना? पता है साहब। यम्बी अभी तक घर नहीं आया। ग्यारह बज गए हैं। पता नहीं कहां गया होगा इतनी रात को। मैं उसे कहां ढूंढूं? शुक्र है बच्ची आराम से सो रही है। हे अम्बी, अम्बी, राजा, अम्बी अभी तक घर नहीं आया। इंस्पेक्टर ने उन्हें किसी काम से कल बुलाया था, उन्हीं से जाके पूछ लो। अच्छा। सर ये पार्वती है, वही सर अपना चाय वाला अम्बी, उसी की माँ है। पार्वती क्या बात है। अबे उठ जा, सो क्या रहा है? उसे अपने घर भेजा है, वो आ जाएगा ना। तुम बैठो 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 वहाँ बैठो। नहीं साहब, मेरे घर में बच्ची अकेली है। अम्बी आ जाए तो उसे भेज दीजिएगा, चलती हूँ। क्या हुआ, क्या जल्दी है? आज रात नहीं रुके कल सुबह जा सकती है ना, पति के बिना, सुख के बिना कैसे जिंदगी गुजार गए। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, मैं चलती हूं। मुझे छोड़ दो, मेरी बच्ची घर में अकेली है। बाहर जाकर ऐसे गलतियां करते थे लेकिन अब थाने में ही करने लग गए। अब हम क्या कर सकते हैं? ला 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 ला। अरे रुक रुक, इधर इधर कहाँ जा रहे हैं? क्या काम है? नाम नहीं बुलाया था। साहब नहीं है, तेरे लिए 5 रुपए देकर गए, ये ले। छोड़ दो मुझे। रुक 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 रुक, अम्बी तेरी माँ अंदर नहीं है, तेरी माँ थाने क्यों आएगी? चल जा निकल। माँ नहीं है क्या? नहीं है, तू जाना यहाँ से, जा। Go, go, go. मेरी बच्ची घर में अकेली है। उस नन्ही जान पर भी तुझे शर्म नहीं आई, कमीने कुत्ते। हे भगवान। सर क्या? सर अगर इसे बाहर भेजा तो आपकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी सर। Hey, idiot. तेरा मतलब क्या है, हम उसे लॉकअप में ही मार डाले क्या? हाँ तो क्या करेंगे सर? वेरी गुड क्वेश्चन। धंधा करती है बोल के कोर्ट में हाजिर करवा देंगे, दिक्कत क्या है? हाँ सर, हा? कल सेकंड सैटरडे है। हाँ परसों संडे है। हाँ पता है, 2 दिन कोर्ट बंद रहेगा सर। सोमवार को तो खुलेगा ना। 2 दिनों के बाद अम्बी। ओ माँ, अम्बी। माँ तुम इतने दिन कहाँ थी? माँ बेटा वो सब छोड़ो, छोटी कहाँ? छोटी आ बाहर निकल, थू तेरी जात का। तुझे लोगों की सुरक्षा करने का हक किसने दिया? बाहर बुलाओ उसे, उस कमीने की
की वजह से मेरी बच्ची की जान गई है भाइयों, बाहर बुलवाइयों से। क्या लगा तेरा? यहाँ कुत्ते, यहाँ नहीं छोड़ूंगी तुझे। तूने मेरी बच्ची की जान ली है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मुझे बर्बाद कर दिया, मैं तुझे जान से मार डालूंगी कमीने। देख मेरे पास क्या है, देख मेरे पास ये पैसे, पैसे पैसे मेरे पास, रख ले तू, रख ले रख ले तू, जा जा जा। पैसे देता है मुझे कमीने, पैसे देता है? मेरी बच्ची की जान लौटा, मेरी बच्ची की जान लौटा। नहीं माँ, ना, चलो माँ, 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 साथ क्या हुआ, एक ही पल में छिन गया जहां। ब्रह्मा ओ ब्रह्मा मेरे साथ क्या हुआ, एक ही पल में छिन गया जहां। देखे थे जो सपने अब है कहां, एक ही पल में छिन गया जहां। क्या हुआ, एक ही पल में छिन गया जहां। आंसुओं को अपने न रोक पाऊं मैं, बोल पाऊं मैं, जी के भी अब मैं करूं क्या बता। मरने के सिवा ना है कोई रास्ता, जी के भी अब मैं करूं क्या बता। मरने के सिवा ना है कोई रास्ता, दर्द और दुख के सिवा जिंदगी में बचा है क्या। देखे थे जो सपने अब है कहां, एक ही पल में छिन गया जहां। हमें यहाँ नहीं रहना, इसलिए मैंने खाने में जहर मिला दिया। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा माँ, कुछ नहीं होने, नहीं होने दूंगा। तू नहीं मरेगी। मैं वैश्या नहीं हूँ। दवा खाने चलते हैं माँ। मैं वैश्या नहीं हूँ। चलो माँ, 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 चलो माँ। मैं वैश्या, माँ, पार्वती। ओ पार्वती, कहाँ है भाई? दो दिन से तू काम पर क्यों नहीं आई? अरे तुम माँ बेटी। अम्बी, अम्बी, अरे अम्बी, अम्बी, पार्वती, पार्वती, या अल्लाह, अम्बी बेटा हॉस्पिटल चलते हैं। अम्बी, अम्बी, हाँ कौन सा सेब है? कश्मीरी है सर। कश्मीर का? हाँ। काट के दे। ए, क्या ढूंढ रहा है? चाकू खोज रहा हूँ सर। चाकू यहाँ है बे। ऐसे मुझे घूर क्यों रहा है? सुना है तेरी माँ मर गई? अच्छा हुआ। तेरा नाम क्या है बच्चे? अम्बी। तेरे अंदर गुस्सा है, हिम्मत है, आग है, इसे जाया मत होने देना। मतलब
मैं समझा नहीं। मेरे साथ चल, सब समझाता हूँ। तेरे चरणों की धूल से हो सबका भला, मेरे सर पे हमेशा तेरा साया रहा। तेरे चरणों की धूल से हो सबका भला, मेरे सर पे हमेशा तेरा साया रहा। तेरी ही भक्ति में सारा जहां है, शक्ति तू भक्ति तू शक्ति तू, हाँ हाँ भक्ति तू। तेरे चरणों की धूल से हो सबका भला, मेरे सर पे हमेशा तेरा साया रहा। तेरे चरणों की धूल से हो सबका भला, मेरे सर पे हमेशा तेरा साया रहा। कैलाशवासी को सब है पता, कोई भी राज ना इनसे छुपा। जीवन तू मृत्यु तू सबको खबर, पापी ना बच पाए तुझसे मगर। शक्ति तू हाँ हाँ भक्ति तू। तेरे चरणों की धूल से हो सबका भला, मेरे सर पे हमेशा तेरा साया रहा। तेरी ही भक्ति में सारा जहां है, शक्ति तू भक्ति तू शक्ति तू हाँ हाँ भक्ति तू। जो ना देखे देखे है तू, देखे है तू अरे देखे है तू। सबके दिलों में बसता है तू, बसता है तू अरे बसता है तू। जीवन तू मृत्यु तू, जीवन तू मृत्यु तू सबको खबर, पापी ना बच पाए तुझसे मगर। तेरे चरणों की धूल से हो सबका भला, मेरे सर पे हमेशा तेरा साया रहा। तेरी ही भक्ति में सारा जहां है, शक्ति तू शक्ति तू हाँ हाँ भक्ति तू। शंभो अंबी, कौन है ये अंबी? Who is that person I say? सिर्फ जेल की सलाखें मजबूत होना ही काफी नहीं है, पुलिस वालों का दिल भी मजबूत होना चाहिए। सर,
हमें कुछ दिनों की मोहलत दीजिए, हम उसे जरूर पकड़ लेंगे। किस यकीन से आप ये कह रहे हैं? अबू सलेम को पकड़ने के लिए 10 साल लगा दिए, यहाँ के एक मामूली गुंडे को पकड़ने के लिए कितने साल लगाएंगे आप? छे हम भी भाई जी का गोद लिया हुआ बेटा है। क्या कहा, भाई जी का? यस सर, अब तक उसने बहुत क्राइम किया है लेकिन एक भी केस दर्ज नहीं हुआ। उसका हुलिया कैसा है अब तक ये भी पता नहीं लगा पाए हम। सर, हमारी लाख कोशिशों के बावजूद उसका एक पासपोर्ट साइज फोटो तक हमारे हाथ नहीं लगा। हाउ टू कैच हिम, बताइए सर। इस आदमी को पकड़ने के लिए मैन पावर नहीं, ब्रेन पावर चाहिए, और इसके लिए किस आदमी की जरूरत है ये मैं जानता हूं। अंबे भाई जी। बोल बेटा। कैश मिल गया है, इसे उड़ा दूं क्या? ए, वो बड़ा काम का आदमी है, उससे बहुत काम करवाने आगे, छोड़ दे उसे। आप जैसा कहें। अंबी अंबी अंबी, मेरा पाला हुआ बेटा है। सर मैं जाऊं सर? इस अंबी की नजर चारों तरफ घूमती रहती है, भाई जी ने कहा है इसलिए छोड़ रहा हूं तुम्हें, चल निकल। रेगंजे, अब तू इस एरिया में दोबारा दिखाई दिया ना, तब हम पैसे नहीं तुम्हारी जान भी ले लेंगे। हाँ, आगे से ऐसा नहीं होगा, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। ए तुंगा टीमगा, चाबी ना ये ले। येरी चाबी नहीं बेटा, चाय चाय। ओ वो जो फ्लैक्स में रखी है। हाँ। ऐसे बोलना, साथ में तो बिस्कुट का पैकेट भी ले लेना। चल चल जल्दी भिजवा। तुम्हें टीवी में देखा तो बस, मेरी माँ टीवी के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है ये देख तेरी क्लासमेट, ये देख तेरी क्लासमेट। बहुत फॉर्म में हो तुम। अब मैं उस चैनल में काम नहीं करती। ओह गॉड। अच्छा तुमने आरके ग्रुप का नाम सुना है क्या? हाँ। अपने रणजीत कपूर? हाँ। उनका बेटा कल दिल्ली में मुझसे मिला था। ओके। अच्छा वो एक नया हिंदी चैनल लॉन्च कर रहे हैं। वाओ। तुम वहाँ क्यों नहीं ट्राई करती? तुम्हारे पास उसका नंबर है क्या? नंबर हाँ है। लिख के दो। हेलो। हाँ। मैं और मेरी फ्रेंड बैठकर बातें कर रहे हैं और कॉफी पी रहे हैं, तू बता क्या काम है। हेलो। हाँ माँ आ रही हूँ माँ। हाँ हाँ ठीक है भाई, स्टोरी स्क्रीन प्ले डायलॉग सब 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 तैयार हो रहा है। यहाँ मुझे मेरा एक दोस्त मिला, उससे बात कर रही हूँ, आ जाऊंगी माँ। हाँ नेक्स्ट प्रोजेक्ट में तू ही हीरो और तेरी गर्लफ्रेंड ही हीरोइन होगी। चल अब रख फोन। मैं ये हूँ सर, वो हूँ सर, ये कह के स्टोरी मत सुनाना, तड़ा तड़ इंग्लिश बोलना और पढ़ा लेना। मुझे मत सिखा। अच्छा ये बताओ तुम क्या कर रहे हो? अरे ये अंबी है या अभी, ये 0 है या 8, ट्राई करते हैं। अब लगता साला ये तो जीतने वाला यार, यही बाजी मारेगा। हेलो। नमस्ते सर, आप अंबी बोल रहे हैं क्या? हाँ हाँ। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम पल्लवी है, पल्लवी जोशी, सिद्धार्थ जोशी नाम के सामना के एडिटर है ना, मैं उनकी बेटी हूँ सर। सर मैंने BA किया है, मैं ETV चैनल में एंकरिंग करती थी सर, किसी वजह से मुझे वहाँ इस्तीफा देना पड़ा सर। तो प्रसाद है ना वही सर जो आपसे दिल्ली में मिले थे, उन्होंने मुझे आपका नंबर दिया सर। देखिए आपको जिससे बात करनी है वो मैं नहीं हूँ।
सर मैं ये जानती हूँ सर, पहले एप्लीकेशन देना चाहिए, इसके अलावा मेरा क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस सब काउंट होता है, लेकिन लगता है आप मेरी बात समझ नहीं रही हैं। सर सर प्लीज सर ना मत कहिएगा सर, मैं बहुत सिंसियरली काम करूंगी सर, मैं हर समय हर प्रोग्राम करती हूँ सर, न्यूज रीडिंग, क्राइम रिपोर्टिंग, फिल्म इंट्रोड्यूस सब करती हूँ सर, मैं ये नए प्रोग्राम है ना सर, बूम बूम प्रोग्राम, अपने सपने, हिंदुस्तान के नगीने, इन सारे प्रोग्राम की एक फाइल बनाकर अच्छी तरह से प्रिपेयर होकर आपके सामने आऊंगी सर। देखिए आप चाहती क्या है? सर आपके टीवी चैनल में मुझे काम देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी सर। कौन से चैनल? सर नया चैनल जो आपने शुरू किया है ना, एमजी रोड में आपका ऑफिस है ना? ठीक है, कल सुबह ऑफिस में आ जाना। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर काम मिल जाएगा ना सर? सर थैंक यू वेरी मच सर। इस कट्टर शंकर का आपको फुल सपोर्ट मिलेगा, चाहे कोई चैनल खोले या कोई चप्पल की दुकान, पर टाइम टू टाइम मुझे हफ्ता मिलता रहना चाहिए, समझे? और इसके बदले में यह कट्टर शंकर आपको फुल सपोर्ट देगा, समझे? ठीक है आपका फुल सपोर्ट मुझे मिलेगा, इससे पीछे चलता हूँ। हाँ कल सुबह 10 बजे तुम्हारे ऑफिस में पल्लवी नाम की एक लड़की आएगी, उसको काम देना है। तू मुझे ऑर्डर दे रहा है, कौन है तू? फिल्म इंडस्ट्री और पुलिस में मेरा नाम अंबी है, मैं वही अंडरवर्ल्ड डॉन हूँ अंबी। अंबी नमस्ते भाई, गुस्सा मत होना, ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ नो वैकेंसी है। तेरा घर कहाँ है बे? इसी धरती पर है भाई। उसे शमशान घाट में बदल दूं क्या? देखिए आपकी जबरदस्ती नहीं चलेगी, मैं काम नहीं दे सकता, मुझे कट्टर शंकर का फुल सपोर्ट है, आपको जो करना कीजिए। ये कट्टर शंकर कौन है? कट्टर शंकर ना, परसों नाथ नगर की गली में बिना बात के धोया उसे बाप। अम्बी उसका नाटक ज्यादा हो गया है गुरु, इसकी जात का पैना मारो तुम तक पहुंच गया, तो क्यों ना आज इसका आखिरी मुहूर्त कर ही डाल। जय श्री कृष्ण, अरे क्या है आज का भविष्य, ओहो आप पर भारी संकट आएगा। क्या बात, डोंट डिस्टर्ब प्लीज। ये क्या है? मैंने इसे कहीं देखा है, कहाँ देखा है? उल्टा क्यों टंगा है भाई? कट्टर शंकर ये क्या हाल बना रहा है? नीचे उतार पाले, मुझे नीचे उतार, अबे मुझे नीचे उतार पाले, मुझे अबे मैं मर गया। ए लाइफ बजट दाना नाम कमाया था, तुझे सपोर्ट करने के चक्कर में मिट्टी में मिल गया। पर आपने फुल सपोर्ट मेरे को, अबे घुसा डालूंगा, करता था जरूर करता था साले। वो कौन था? कौन था बताए? अंबी था, अंबी। ये किसका फोन है? किसका फोन है? फोन रखता है तेरी तेरी जात का, कर बात कर। अंबी अंबी मार ले, मार ले उसकी बात, मार ले चल। हेलो सर, कट्टर शंकर का फुल सपोर्ट मिला ना तुझे? मिस पल्लवी। मैं उषा। क्या काम है? मुझे काम चाहिए। तुम अम्मी को जानती हो? नहीं सर। तो फिर काम नहीं मिलेगा, गेट आउट। जिसको आना चाहिए वो तो आ नहीं रहे, टेंशन बढ़ती जा रही है। तुम मुंह क्या देख रही हो, अपना काम करो। सॉरी सर, सर सर। हाय सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू मिस। मैं भव्या। कौन भव्या? मैं सर आपके ऑफिस कोऑर्डिनेटर भव्या। ओ, तो भव्या हो क्या? ओ मैम आई एम वेरी सॉरी, कम इन कम इन कम इन। आप मिस पल्लवी है ना? वेलकम टू ओम टीवी चैनल, आई एम मिस्टर रामकृष्ण, चीफ एडिटर ऑफ ओम चैनल। अरे मैडम आप खड़ी क्यों? आइए आइए मैं आपको अपने स्टाफ से मिलवाता हूँ। आइए ये मिस्टर मिस माला रिसेप्शनिस्ट है, आप आइए। हेलो, ये मिस सरोज है, बिलिंग सेक्शन इनका है। देखिए इसे आप अपना ही ऑफिस समझिए, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, चाहे आप यहाँ बैठिए चाहे आप वहाँ बैठिए, आज मैं आपको अपॉइंटमेंट लेटर दे दूंगा, आप आइए जाइए बस आप यहाँ आइए। ये कोऑर्डिनेटर भव्य है, पल्लवी तुम बता नहीं था बड़ा प्यारा नाम है इनका, पल्लवी। आप दोनों मिलकर बात कीजिए। अभी बेटा कोल्ड ठंडा पानी लेके आइस मार के। Hi, I'm Pallavi. Hi, I'm Bhavya.
ये हमेशा ऐसे ही पेश आते हैं क्या? नहीं, आज ही ऐसा कर रहे हैं। ओ माय गॉड। बैठिए, मैं अभी आई। थैंक यू। हेलो सर, मैं पल्लवी। सर सर, थैंक यू सर। आपके एडिटर बहुत अच्छे हैं सर, आपके लिए उनके मन में कितनी इज्जत है सर। हाँ हाँ, बिल्कुल, वो तो है ही। सर मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी सर। नहीं नहीं, कोई बात नहीं है। सॉरी सर, शायद आप थोड़े बिजी हैं। ओ ओके, बाय सर। अम्बी अम्बी अम्बी, कौन है ये अम्बी? ये कोई भगवान है क्या? हर जगह इसी का नाम सुनाई देता है, आखिर कौन है ये अम्पी? अम्पी नहीं है सर, अम्बी। हाँ वही तो कह रहा हूँ मैं भाई, लेकिन कमबख्त ये जुकाम। किसी के पास इनहेलर है क्या? अरे सर देखना पड़ेगा मेरे पास है या नहीं। जल्दी दो। एक्सक्यूज मी सर, ये लीजिए, मिल गया। जब मैं कोल्हापुर के थाने में था, तब अम्बी जैसे गुंडों के कपड़े उतार कर बॉम्ब लगाकर उनके चिथड़े कर दिए थे, तो ये क्या चीज है सर? उसे पकड़ना इतना आसान नहीं है सर। मुजरिमों के पैरों में बेड़ियां बांधने के बजाय जहां जहां ट्रांसफर हुए वहां एक एक लड़कियों को मंगलसूत्र बांधते गए। अब तक तुम्हारी 3 बीवियां हैं, am I right? सर वो सर शमूनत की बात सच है सर, उसे पकड़ना बहुत मुश्किल है सर। जब हमारे भारतीय लोग गांधी जयंती मना रहे थे, तब बड़े बड़े बार्स के पीछे के दरवाजे से शराब सप्लाई करते करते हरे हरे नोट गिन रहे थे। तुम लोगों का कारनामा हमें सब पता है। एनीवेज, ये 50 रुपए पुलिस खाते में डाल दो। ओके सर। मैं सिविल ड्रेस में भले ही एक कॉमेडियन हूँ, लेकिन वर्दी में खतरनाक। मैंने आपकी बहुत करने में सुने सर, आपको सब बब्बर शेर कहते हैं। डायलॉग मत मार, एक्शन तुम लोग लेना, डायरेक्शन मैं दूंगा। शहर के सारे गुंडों को पकड़कर पूछने से अम्बी कहाँ छुपा है ये हमें पता चल जाएगा। आज से सर्चिंग स्टार्ट करो। यस सर। कहाँ? मुझे बस मारे सर, मैं कुछ नहीं जानता, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि 15वें फ्लोर पर रहता है सर, और कुछ नहीं जानता। मैंने लाइन छोड़ दी। कंट्रोल रूम, एसीपी एजेंट है। बेंगलोर के सारे 15वें फ्लोर के बिल्डिंग्स का मैप मुझे चाहिए। हर समय हर प्रोग्राम करती हूँ सर, न्यूज रीडिंग, क्राइम रिपोर्टिंग, फिल्म इंट्रोड्यूस सब करती हूँ सर। मैं ये नए प्रोग्राम है ना सर, बूम बूम प्रोग्राम, अपने सपने, हिंदुस्तान के नगीने, इन सारे। ए तुंगा, उठ। क्या अम्बी? मुझे तुझसे बात करनी है, उठना। क्या गाना गाना है, वो भी इस बार? अरे ये ले, कान में लगा ले, कान में। मुझे बहुत नींद आ रही है अम्बी। ए उठना, तुझे अपनी फीलिंग बतानी है यार। क्या अम्बी, चैन से सोने भी नहीं देता यार तू तो मुझे। कल अपुन तेरे को मस्त पार्टी देगा, चल उठना। आना चल। क्या परेशानी है आपको? मैं बहुत नींद आ रही है। सुन मेरे जिंदगी में ना। किस बारे में यार? मेरे फोन में मेरी जिंदगी में ना, मेरी जिंदगी में ना, मेरे फोन में अब तक जो आवाजें सुनी उनमें लड़कियों की दो आवाजें थी। एक है ये फोन नंबर अस्थाई रूप से सेवा में नहीं है, और दूसरा है ये नंबर इस वक्त पहुंच से बाहर है, बाद में ट्राई कीजिए। लेकिन 2 दिन पहले एक लड़की ने मुझसे 5 मिनट बात की। वो था तो रॉन्ग नंबर, पर उस लड़की की आवाज बार बार सुनने को जी करता यार।
ये जो जगह है ना, यहाँ 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 कुछ होता है यार। पता है लड़कियों की आवाज कितनी अच्छी होती है? पता है उसका नाम क्या है? पल्लवी। पल्लवी मतलब जरूर किसी भगवान का नाम होगा, चाहे कैसा भी नाम क्यों ना हो। लेकिन अगर आवाज की बात करें ना तो सुपर। कल से दारू पिया नहीं जा रहा यार, खाना भी नहीं खाया जा रहा। फोन जब आता है ना, मुझे लगता है कि उसी का होगा। उसे देखने का मन करता है, उससे बात करने का मन करता है। तुंगा, कहते हैं कि भगवान ने पहले दुनिया बनाई और उसके बाद में वो जाके सो गया, और फिर उसने उठकर मर्द को बनाया, और फिर वो सो गया, उसके बाद में उठकर उसने लड़की को बनाया, ऐसा कहते हैं। उसके बाद वो खुद भी नहीं सोया और हम जैसे लड़कों को भी नहीं सोने दिया। इसकी जात का उस कट्टर शंकर के टेंशन में ना उसका फोन नंबर सेव करना भूल गया। अगर उसे चैनल के ऑफिस में फोन करूं तो वो जो मुझे समझती है, जो कि मैं नहीं हूं, उसे पता चल जाएगा यार। ये ले यार, जाके सो जा। ए अंबी, तूने मुझे कितना परेशान किया, तूने जितना भी कहा मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। इतना पता चला कि तू यहाँ यहाँ की बात कर रहा था, अभी क्या दर्द है क्या दिल में? ऐसा ही समझ। मेरा मन करता है कि मैं अपने दिल की बात कहूं, लेकिन मुझे बहुत अजीब सा लगता है। सुनोगे तो मुझे पागल कहोगे, और अगर नहीं कहूंगा तो मैं पागल हो जाऊंगा। इसलिए मुझे किसी ना किसी को तो बताना ही होगा, लेकिन उनके समझ में नहीं आना चाहिए। यही मेरा आइडिया है। जा सो जा, आराम से सो जा, ठीक है? क्या यार, पहले जो कहा वो सुनाई नहीं दिया, अब जो कहा वो समझ में नहीं आया। यहाँ। यस सर। मैं तुम्हें पागल लगता हूँ क्या? यस सर। नो सर, सॉरी सर। तो मेरे सामने पागलों की तरह क्यों घूम रहा है? टेंशन है सर। टेंशन तो मुझे भी है भाई, 15वें माले की बिल्डिंग में होगा कहाँ? बेंगलोर की सारी बिल्डिंगें छान मारी, लेकिन मिला क्या? सर, अपने ही आंगन में माल रख के पूरे शहर की खाक छान रहे हैं सर हम लोग। क्या मतलब? हमने पूरे शहर के अंदर ढूंढा, लेकिन शहर का मेन एरिया मैजेस्टिक, मैजेस्टिक में एक भी बिल्डिंग नहीं ढूंढी ना सर। आई मैजेस्टिक में 15 माले की बिल्डिंग कौन सी है सर? हाँ बेटा, 15 माले की जरूरी है क्या? 11-12 की नहीं चलेगी क्या? अरे सालो, मुजरिम के पास जो आइडिया तुम्हारे पास नहीं है। अब चलो इसी वक्त यहाँ से। यस सर। यस सर। ए कांस्टेबल, इसको सेकंड शो की पिक्चर दिखा। यस सर। अरे सर, संभालिए खुद को। सर, हम यहाँ पे आत्महत्या करने थोड़ी ना आए हैं। छोड़ो, ये तुम लोग मुझे कहाँ ले आए? ना कोई खिड़की, ना कोई दरवाजा, कोई दूसरी जगह नहीं मिली तुम्हें क्या? अरे सर, वो अंबी इधर मिलेगा ऐसा छोटा सा डाउट हुआ था ना मेरे। क्यों? वो गुंडागर्दी छोड़ के कॉन्ट्रैक्टर बन गया क्या? सर, देखिए वहाँ कोई बैठा हुआ है। किस गधे के बच्चे ने तुम्हें काम दे दिया? सरकार ने सर, उन्होंने तो आपको दिए सर। ठीक है, ठीक है, वैसे भी हम एक ही थाली के चट्टे बट्टे। वो तो है। तुम एक काम करो। कहिए सर। कल सुबह वो मेरे सामने होना चाहिए। ओके सर। कम की बैग। यस। देखिए, हमारे सामने खड़ा मत होइए, प्लीज। ठीक है, हम बाहर जाएंगे। नो, आप सब बाहर जाएंगे तो हमारा मूड खराब हो जाएगा। जो जो जहाँ खड़ा है वो वहीं बैठ जाए। हम लोग कौन है ये बदमाश? अरे ये वही है जिसे हमारे साथ थोड़ी देर पहले मस्त पीस रहे थे। बहुत बड़ा रेपिस्ट है ये। इस तरह का रेपिस्ट और मुजरिम के हमारे आंखों के सामने खड़ा रहने से हमारा मूड टोटली ऑफ हो जाता है। आउट, निकालिए इसको। सर, देखो। हेलो हेलो, शट अप, ये सब कॉमन बात है, मूड की बात है ना। ओए इधर आइए। क्या भाई? हम कुछ आइटम बताता हूँ, जाकर लेकर आइए। ये पेपर पेंसिल सब लाने के लिए मेरे समझ में नहीं आएगा भाई। वो सब नहीं लाना है, आप समझदार लगते हैं इसलिए भेज रहे हैं। फेयर प्राइस शॉप के बारे में अच्छी तरह जानते हैं ना, इसलिए सीधा कलासी पुलाव के नाम 2 होटल में जाके वहाँ से पुलाव लेकर आइएगा। सूप लेकर आना है आपको होटल ईरानी से, समझ गए ना? फिर गोविंद होटल में जाके आपको वहाँ से चाय लाना है। वहाँ से आगे बढ़ेंगे तो आगे जाके मिलेगा आपको त्रिवेणी। वहाँ से लूंगा पान। 2 यही गलत हो गए तुम भाई। पान नहीं खाता है, शराब नहीं पीता है, समझे? जो मांगा लेकर आ। पैसे? आप लोग आज तक किसी को पैसा दिए हैं? चलिए जाइए। और सुनेगा,
जा। क्या मुसीबत है यार। सर रेडी हो गया। अरे कट 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 ठीक से कहा नहीं दबाता हो। एक्सक्यूज मी सर, पीठ थपथपाने का कोई जरूरत नहीं है। अब तक बहुत सारा लोग हमारा पीठ थपथपा चुका है। देना है तो कैश दीजिए, क्योंकि हम टैक्स नहीं भरता हूँ। समझा क्या समझ रखा है हमें? है बे? है? बता क्या समझ रखा है? अरे कलर नहीं है इसलिए मार रहे हैं का? कलर कलर गुंडे की फोटो बनाने को का एक्टर की बनाता है? सर जिस रेपिस को बाहर खड़ा किया था वो वहाँ से भाग चुका है। भाग गया सर आपका मां का। तेरी जात का पैदा मालूम भगा दिया सर। मारो सर मारो मारो। देख एक दिन का टाइम देता हूँ, उस गुंडे एमबी को याद करके बना उसकी फोटो। सर मैं? आपका कसम सर, इस बार बनाऊंगा सर। सर याद आ गया, बनाता हूँ सर। भिखारे सर भैया हमारा सूप नहीं आया है। कैसा सूप? सर आज हमको उपवास है ना। अरे पूर्णिमा इतने सारे कार्ड्स किस लिए हैं? न्यू ईयर के दिन विश करने के लिए हमारे क्लास में 30 लड़के हैं दीदी। 30 लड़कों के लिए ग्रीटिंग कार्ड बना रही हूँ। और लड़कियों के लिए? लड़कियों के लिए हा? लड़कियों के लिए ग्रीटिंग देकर क्या फायदा, उन्हें सिर्फ विश किया तो बहुत है। छठ पगली दीदी, तुम्हें ग्रीटिंग चाहिए तो ले लेना, अपने फ्रेंड्स को भी विश करना। कैसे भेजूं? एड्रेस तो पता है नहीं। हेलो मैं सर पल्लवी बोल रही हूँ। सर तुम्हें अकल वकल है कि नहीं? अगर मेरे सामने होती ना तो पंच मारता तुझे। सॉरी सर, शायद आप मीटिंग में हैं सर। सर मैं बाद में फोन करूंगी सर। हेलो हेलो सॉरी, मुझे गुस्सा इसलिए नहीं आया कि तुमने आपने मुझे अभी फोन किया। आपने मुझे 3 दिनों से फोन नहीं किया ना, इसलिए। क्यों सर, मुझसे कोई काम था क्या? अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कह सकता हूँ? हाँ सर कहिए। जब आप फोन करती है ना तब मुझे खैर छोड़िए, कुछ और बात करते हैं। आप दिन में एक बार फोन कर लिया कीजिए। पर सर किस लिए? वो क्या है कि आप मेरे लिए लकी हैं। परसों जब आपने फोन किया था उस दिन की पार्टी से मुझे 7 लाख रुपए मिले हैं। ओ, मेरे फोन करने से आपका काम बनता है ऐसा लगता है आपको क्या? कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। आप चाहे कितनी भी बिजी क्यों ना हो दिन में एक बार फोन जरूर कर लिया कीजिए। वो क्या है कि आपकी आवाज सुनते रहने का मन करता है ना। ओके सर। सर नहीं अम्बी। मैं आपको नाम लेकर बुलाऊं क्या? जैसे मैं तुम्हें बुला रहा हूँ ना पल्लवी। ओके सर बाय बाय। सी यू टाटा। सी यू। ए हुआ कि नहीं? हो गया यार। मुंह तोड़ने के लिए इतना टाइम लगता है क्या? चल। किसका फोन था भाई? मेरी बहन का। चल रे। अम्बी ये भी ले जा। ये लो भैया। तुम लोग यहीं रुको, मैं भी आया। अच्छा भैया रहम अल्लाह। सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम सलाम। अरे अरे मुन्ना बड़ा हो गया। अरे तू बड़ा हो गया। ये आपके लिए। और कैसे हैं आप? हाँ, मैं ठीक हूँ, तू कैसा है बेटा? तुम्हारी खबर लेने के लिए सोचता हूँ तो कहाँ रहता है, कहाँ जाता है,
क्या करता है मुझे तो कुछ पता ही नहीं रहता। तुमसे पूछता हूँ तो कुछ बताते ही नहीं। साल में एक बार यहाँ आते हो, ढेर सारे तोहफे ले आते हो और चले जाते हो। अब सीधा अगले साल ही आओगे तुम। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बताइए कि घर में सब कैसे हैं? सब ठीक ही है बेटा। सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम सलाम बेटा। मैंने बोला था ना, देखा ना अब क्या हो गया चाचा। जा बेटा जा, बाद में बात करेंगे, जा जा। क्या हुआ चाचा? नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं, कोई बात नहीं है बेटा। सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम सलाम बेटा, सब ठीक है ना? मैंने आपसे कहा था ना, देखो ना क्या हो गया। तुम जाओ, बाद में बात करते हैं, नमाज का वक्त हो गया, जाओ जाओ जाओ, जा जा। चाचा आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, बात क्या है? नहीं बेटा कोई बात नहीं है। आपको अल्लाह की कसम। क्या बताऊं मुन्ना, मैंने तुम पर कुछ साल पहले एक छोटा सा उपकार किया था, उसे याद करके तुम यहाँ मुझसे मिलने आते हो। दुनिया में तुम जैसे अच्छे लोग नहीं है बेटा, नहीं है। मेरी बेटी मुमताज के लिए मैंने एक अच्छा लड़का देखकर उसकी शादी करवाई। अच्छा कमाता भी था, दोनों खुशी से जिंदगी गुजार रहे थे। उसकी कमाई से उसके एरिया में एक छोटी सी जगह भी ली उन्होंने, घर बनाने का काम भी शुरू कर दिया था। पर किसी राजा नाम के गुंडे ने उन लोगों से हफ्ता मांगना शुरू कर दिया। उसने कहा नहीं दूंगा और उससे बहस करने लगा। तब उस हरामी ने उसका पैर तोड़ दिया। तू शायद ये जानता नहीं है, तेरे इन फालतू धमकियों से ये राजा डरने वाला नहीं। धमकी बुजदिल लोग देते हैं, हम भी नहीं देता। मैंने एक बार जो कह दिया कह दिया। ए, नहीं मानूंगा, क्या करेगा? मेरे अड्डे में आकर मुझसे होशियारी दिखा रहा है। राजा मान जा। ए, क्या करेगा, क्या करेगा? ए, बच के नहीं जाना चाहिए। Hey!
तुझे प्यार से समझाया पर तू नहीं समझा, गुस्से से समझाया तो भी नहीं समझा। समझदार को प्यार से समझाओ, अनाड़ी को तोड़कर समझाओ, पर तू समझदार भी नहीं है, अनाड़ी भी नहीं है, इसलिए तेरी किस्मत में गोली है। अटेंशन। यस सर। हाय आंटी। पल्लवी कहाँ है? पल्लवी। हाय अंकल। नाश्ता हुआ? पल्लवी कहाँ है? हाय पल्लवी। आज तुम्हारे घर वाले बात क्यों नहीं कर रहे? तुम भी नहीं बोलोगी? पूर्णिमा तू तो बोलना। आखिर बात क्या है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो क्या कर रही है? आज हमारा मौन व्रत है। तुम बात किए बिना कैसे रहती हो? मैं भी देखती हूँ, चल ऑफिस। हो गया क्या? इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? क्या हुआ बे? इतना हाफ क्यों रहा है? भाई वो अंडा अंडा से बाहर है। उसको वापस पूछ देगा या नहीं, नहीं तो उसे खत्म कर, खत्म कर। हाँ बड़ा काम भी। नमस्कार, कैसे हैं? हाँ हाँ, क्या जगह है, बहुत अच्छी जगह है। आइए बैठिए। बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छी जगह है। अंबी के पीछे 5-10 बॉडीगार्ड होंगे ऐसा मेरे को लगा था, पर तुम तो वन मैन शो अंबी। जो जान की परवाह करता है वो बॉडीगार्ड रखता है, और जो जान छिड़कता है वो ऐसे दोस्तों को रखता है। क्या अन्ना, जब से आए हैं बात ही कर रहे हैं, यहाँ क्यों आए हैं भूल गए क्या? ए अंबी की बात बिल्कुल सही है। रुक जाओ रुक जाओ, शांत हो जाओ शांत हो जाओ। ये तलवार मैं तुम्हारे भाई को तोहफे में देने के लिए आया था। राजा को टपकाने की खुशी में मेरी तरफ से ये खास तलवार तुम्हारे लिए। ये हमारे पुरखों की तलवार है। उस राजा को मारने की वजह कुछ और थी। वजह चाहे कुछ भी हो, फायदा तो मेरे को हुआ ना। बैठिए। इन्होंने अपने पुरखों की चीज तोहफे में दी है, हम अपने पुरखों की चीज तोहफे में देंगे। लेकर आ। हाँ भैया, लेकर आता हूँ। देखा ए, इसका काम हो गया ना, चल भगा इसे। अंबी सर, अंबी सर, मेरे को एक बात पूछनी है। तुम जब घुसाते हो तब भगवान का नाम लेकर घुसाते हो? तोहफा आ गया, लेकर जाइएगा। ये लो भैया। वाह वाह, गा गा गा। ये है हमारी तरफ से आपके लिए तोहफा। ए पकड़ो इसको। हाँ, नीचे बैठो बैठो बैठो। वाह वाह, क्या वस्तु है, क्या कारीगरी है मामा अंबे, इसकी कीमत क्या होगी बताओ ना। ये क्या कह रहा है, मेरे कुछ समझ में नहीं आया। वो बोल रहा है इसके बल्ब चाहिए। ए गुरु, ये फोटो की बिल्डिंग कहाँ है और इसका रेट कितना है ये पूछ रहा है। इस महल को कौन नहीं जानता, ये मैसूर पैलेस है। इस फोटो की कीमत कुछ हजार रुपए है। इसकी कीमत कुछ हजार रुपए है ना। अम्बे मैं इस फ्रेम की कीमत नहीं पूछ रहा हूँ, इस ओरिजिनल बिल्डिंग की कीमत पूछ रहा हूँ। क्या अम्बे, क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? जो चीज पूछ रहे हो वो बिकाऊ नहीं है, ये सरकार की प्रॉपर्टी है, कोई नहीं खरीद सकता। ए ये बिल्डिंग अगर मैं अपनी बीवी को दूं, वो भी तीसरी वाली को, तो वो मुझ पर खुश होगी ना। अम्बी तुम्हें जिसका रेट फिक्स करके मेरे को लेकर देना। मैंने कहा ना ये चीज नहीं मिल सकती, भूल जाइए। नहीं, मैं अपना पूरी प्रॉपर्टी बेच दूंगा, पर ये प्लेस नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। ए सिल्वा, ये हमारी देश की शान है, एक बार बोला ना नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। क्या मेरे को नहीं मिलेगा? मेरे को नहीं मिला तो किसी को भी नहीं मिलेगा। ए जल्दी बॉम्ब लेकर आओ, बॉम्ब डालो, सारा बिल्डिंग उड़ा दो। दोस्ती में जान मांगोगे तो हम खुशी से दे देंगे, पर देश का सौदा किया तो चाहे भगवान ही क्यों ना आए तेरी जान लेकर रहेंगे। अगर दोबारा तू और तेरे आदमी मुझे कहीं भी नजर आए ना
तो मैसूर पैलेस के सामने तुझे दफना दूंगा, समझा? बड़े भैया हमको माफ कर दो, हम जाता है, आई एम वेरी सॉरी, अपना गुस्सा थूक देना, सभी भाषाओं में सॉरी बोलता हूँ, ओम शांति ओम। ओके, इसी खुशी में एक छोटी सी पार्टी रखें क्या? क्या बॉस, प्रॉपर्टी की बात करते करते अचानक ट्रैक बदल दिया ना। प्रॉपर्टी की बात करने पर तुम्हारे भाई ने मेरी मुंडी पर तलवार रख दिया, और ज्यादा बोलता तो काट देता। हेलो हेलो हेलो, बात कीजिए। मैं जानता हूं कि तुम कौन हो पल्लवी। दिल में तू ही तू, इस दिल में तू ही तू, प्यार है तुमसे अब मैं क्या करूं। मन को लगे प्यारा तू, मन को लगे प्यारा तू, इश्क है तुमसे क्या अब मैं करूं। दिल की दीवानगी से मिलते हैं जग में। इस दिल में तू ही तू, इश्क है तुमसे अब मैं क्या करूं। दिल की दीवानगी से मिलते हैं जग में दो प्रेमी। क्या तन्हाइया, ये प्यार मैंने तुमसे है जाना, इस प्रीत की ये रीत है, दूर मुझसे न तू जाना। हर वक्त मैं तेरा साथ दूं, कहीं जो कर ले जमाना। इस दिल में तू ही तू, प्यार है तुमसे अब मैं क्या करूं। हेलो हेलो, कल तुमने बात क्यों नहीं की? सॉरी, मैंने कल मौन व्रत रखा था, महीने में एक बार रखती हूँ। क्या मौन व्रत? मौन व्रत मतलब बात ना करना होता है ना, तो आपने फोन क्यों किया?
आप ही ने कहा था ना दिन में एक बार फोन जरूर करना, इसलिए किया था। बात ना करते हुए भी कितनी बातें हुई ना। कुछ नहीं, मुझे आपसे कुछ कहना है, आपसे मिलने का दिल कर रहा है। मेरा भी दिल यही करता है, आपसे मिलना, आपसे बहुत सारी बातें करना। कहाँ मिलना है? आप ही बताइए ना। क्या ऑफिस के पास? अरे नहीं, वहाँ नहीं। एक काम करते हैं, कल कोर्ट में मुझे कुछ काम है, शाम को 5 बजे वहीं मिलते हैं। लेकिन मैं आपको पहचानूंगी कैसे? दो दिल एक दूसरे को पहचान लेंगे। क्या कहा? आपका फेवरेट रंग कौन सा है? मैं उसी कलर की ड्रेस पहनकर पहुंच जाऊंगा। मुझे व्हाइट कलर बहुत पसंद है। तो ठीक है, कल शाम को 5 बजे कोर्ट के पास भाई आ जाएगा। भाई? आप अपने भाई को भी साथ लाएंगे? मतलब मैं खुद आऊंगा। बाय। बाय। अम्बी, रातों रात तुमने इस घर का उलिया ही बदल लिया ना बाप, क्या घर को नर्सिंग होम बना दिया है क्या? ए किशन, इधर आ। हाँ अम्बी। इधर आ ना। हम कुछ देर पहले यहाँ पर बात कर रहे थे क्या? नहीं तो? घर का हुलिया ऐसा ही है? हाँ, ऐसा ही है। कुछ भी नहीं बदला? नहीं, कुछ भी नहीं बदला, पर तुम जरूर बदल गए हो। पता नहीं क्या हो रहा है। पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है। सेंट लगा रहा ना, अच्छी तरह से लगा। इधर भी लगा। आज तो बड़ा सेक्सी लग रहा है, लड़कियां देखेंगी तो पागल हो जाएंगी। ये पहला पहला प्यार है। ए अम्बी, जैकेट पहनो ना। ए देख देख देख, फोन आया है, उसी का होगा। क्या लग रहा है ना अम्बी? भाई जी, हेलो। हेलो, आज हाई कोर्ट में हमारे एक आदमी का फैसला होने वाला था। मैंने कहा था उस गवाह को, मैंने कहा था केस हमारा आदमी नहीं जीता तो तुझे कोर्ट के सामने खत्म करवा दूंगा। फिर भी उसने हमारे खिलाफ गवाही दी, ये हमारी इज्जत का सवाल है। अभी 4:30 बजे हैं, 5 बजे वो कोर्ट से बाहर आएगा, उसे वहीं पर खत्म कर दो। ये भाई जी का आखिरी फैसला है। वो ये काम आज ही करना है क्या? अम्बी, तुम पहली बार हमारे फैसले पर सवाल कर रहे हो। नहीं भाई जी, वो ईमेल में उसका फोटो आएगा, 5:05 पर मुझे उसके मौत की खबर मिल जानी चाहिए। मैं इंतजार करूंगा, बेस्ट ऑफ लक। भाई जी का हुक्म है। किसको मानना है? कोई गवाह? पर आज ही मारना जरूरी है क्या? अभी। अम्बी, भाई जी का हुक्म प्यार से बढ़कर है। देखिए, आप यहाँ मत आइएगा, यहाँ पर एक मर्डर हुआ है, बहुत दंगा हो रहा है। ठीक है, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। ओके बाय। मिस्टर एसीपी यशवंत सर, मैंने आपको अपने चैम्बर में क्यों बुलाया है जानते हो? जानता हूँ सर। भाई जी ने अम्बी के हाथों एक गवाह को मरवा दिया और हमने अभी तक अम्बी को नहीं पकड़ा, यही कहना चाहते ना सर? नो, आपको कुछ कहने का फायदा नहीं है, ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। सो आज से मैं आपको कस्तूरी भवन के मेन गेट पर पोस्ट कर रहा हूं, आने जाने वाले को सलाम करते रहना।
इस देश में आजकल बहुत से बम ब्लास्ट हो रहे हैं। इस कस्तूरी भवन को भी टारगेट किया गया है, ऐसा कमिश्नर साहब ने कहा है। सो आई वॉन्ट एवरी वन टू बी अलर्ट। यू 1 2 3 4 वहां जाइए। कम ऑन, आप चार लोग इधर जाइए, आप चार लोग इस तरफ। मूव ऑन, मूव ऑन, कम ऑन, कम ऑन। आप दोनों इधर। क्या सर, अंबी को पकड़ने की जगह फालतू का टेंशन ले रहे हो सर? स्टाइल कुछ ज्यादा नहीं हो गया सर? बेटा हाँ? मेरा सिक्स सेंस कहता है कि मैं एक दिन अंबी को जरूर। क्या साहब, कॉमेडी करने के लिए कोई दूसरा जोक नहीं मिला क्या? मैंने बहुत दिनों से हाथ साफ नहीं किया। मैं भी रेडी हूँ सर। फॉलो मी। कल सुबह सेम स्पॉट, ठीक है ना? वो जगह मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है, कोई दूसरी जगह बताओ। कस्तूरी भवन। ओके, चाहे सर पर आसमान गिरे या धरती फट जाए, कल हम जरूर मिलेंगे, डेफिनेटली। बाय। अंबी भाई, उसे किसी भी तरीके से पटा ले। वो कौन है, उसकी फैमिली कैसी है, कौन कैसा क्या है, मुझे कुछ नहीं पता है भाई। उसकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में डीपली सोचे तो? हाँ। अच्छा तो एक काम कर, हाँ सेटअप रेडी कर ले, आइडिया खुद ब खुद आ जाएगा। ओके भैया। प्यार हुआ अंबी, प्यार हुआ रे तुझे प्यार हुआ। बॉडी है इसकी, जैकेट है इसकी, लड़का जवान है, प्यार पे फिदा है। अरे तुम भी तो मेरे यार प्यार करो, लड़की से तुम आंख चार करो। अरे गदर भसड़ गदर भसड़ भसड़ गदर भसड़ गई हो। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ अंबी, क्या हुआ रे इसे प्यार हुआ। प्यार हुआ प्यार हुआ प्यार हुआ अंबी, प्यार हुआ रे तुझे प्यार हुआ। मिर्ची है यारा ये तो लड़की लक्की, आंखों में आके ये कैसे है फंसी। आंखों का मेरा ये जादू है चला, लड़की फंसा के महज को चला। अरे गदर भसड़ गदर भसड़ भसड़ गदर भसड़ गई हो। Hey!
से जाऊं अंबी भाई। अब तो हो गई पार्टी गुरु, अब तो हो गई दारू शुरू, उड़ गई मेरी नींद गुरु, रात हो गई मैं तो चलूं। अरे कदर भसड़ कदर भसड़ भसड़ कदर भसड़ गई हो। प्यार हुआ रे तुझे प्यार हुआ। बॉडी है इसकी, जैकेट है इसकी, लड़का जवान है, प्यार पे फिदा है। अरे तुम भी तो मेरे यार प्यार करो, लड़की से तुम आंख चार करो। अरे गदर भसड़ गदर भसड़ भसड़ गदर भसड़ गई हो। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ अम्बी क्या हुआ रे इसे प्यार हुआ। प्यार हुआ प्यार हुआ अम्बी प्यार हुआ रे तुझे प्यार हुआ। बॉडी है इसकी, जैकेट है इसकी, लड़का जवान है, प्यार पे फिदा है। अरे तुम भी तो मेरे यार प्यार करो, लड़की से तुम आंख चार करो। अरे गदर भसड़ गदर भसड़ भसड़ गदर भसड़ गई हो। अंबी कोई नहीं है। कुछ नहीं, चार पांच अव्वलदार राउंड मार रहे हैं बस, और क्या। तुम्हारा खेल खत्म हुआ, यू आर अंडर अरेस्ट। थैंक यू मैडम। मैडम, ये अंबी है, आपको कैसे पता चला? सर, मिनिस्टर महादेव का खून होते वक्त मैं वहीं पर थी, मैंने इसे अच्छी तरह से देखा था, यही है किलर अंबी। ले जाइए सर इसे। एसीबी यशवंत, आज तेरा टाइम अच्छा है। आज तक तेरे पुलिस डिपार्टमेंट वालों ने अंबी को नहीं देखा था, आज तूने मुझे देख लिया। घर जाकर भगवान को असली घी का दिया जलाना। फिलहाल इन्हें बोल कि ये अपनी बंदूक के नीचे कर ले। अंबी, बंदूक के नीचे, नहीं तो भेजा उड़ा दूंगा। ड्रॉप योर वेपन्स। फिर उल्लू बना के भाग गया। देख जा रहा, गाड़ी निकाल। पापा पंचर हो गए साहब। ये ले, मेरे सर पे मार दे। इधर ला। लड़कियों को बाहर घूमने की जरूरत क्या है, घर बैठकर सास बहू के सीरियल देखने चाहिए। उस मिनिस्टर को टपकाते वक्त तूने मुझे देख लिया, पकड़वाया भी। ए, ऐसा करना जरूरी था क्या? तुम जैसे मुजरिम आज नहीं तो कल जेल में नजर आएंगे। बुराई का अंजाम हमेशा बुरा होता है, अच्छी तरह जान लो। देख, तू मुझे अपनी लेक्चर मत दे, समझी? फालतू बातें सुनने का मेरे पास वक्त नहीं है। देख, पुलिस मेरे पीछे पड़ी है, कल सुबह तुझे तेरे घर छोड़ दूंगा,
तब तक चुपचाप यहाँ बैठी रह, समझी? मैं तुमसे डरती नहीं हूँ, मैं तुम सबको पकड़वा दूंगी, तोड़ दूंगा, देख नाक नक्शा सब बिगाड़ दूंगा। आई बड़ी ए तुंगा, एक बिरयानी एक बोटी फ्राई लाकर दे इसे। मैं वेज हूँ, वेज। ठीक है, दाल चावल लाकर दे दे। क्या यार अम्बी, तुम इतनी टेंशन ले रहे हो इस लड़की की। अच्छा खासा प्रोग्राम फिक्स किया था हमने नाच गाने का, सब वाट लगा डाला इस लड़की ने। हाँ, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। जो इसने किया है इसकी जान लेने का मन कर रहा है। लड़की है इसलिए चुप हूँ। ए सिगरेट पिला रे, तू क्या कर रही है? टेंशन हो रहा है दूंगा, अभी तक फोन नहीं आया। आ जाएगा अम्बी, टेंशन मत ले, फोन जरूर आएगा। हेलो। हेलो, हाँ मैं बोल रहा हूँ, तुम बोलो। हेलो, हाँ मैं सुन रहा हूँ। आपको सुनाई दे रहा है क्या? हेलो हेलो हेलो, मुझे यहाँ पर, हाँ हेलो, मुझे तुम्हारी आवाज सुनाई दे रही है, बोलो। हेलो हेलो, हाँ हेलो हेलो। पुलिस को फोन करती है, ये देखा है, टुकड़े टुकड़े करके रख दूंगा, बड़ी आई फोन करने वाली। जिस नंबर पर आप संपर्क करना चाहते हैं वो स्विच ऑफ है। फोन उसी का था, अब स्विच ऑफ हो गया है। स्विच ऑफ हो गया? यार ए, क्या कर रहे हो सालो, खड़े खड़े मजे ले रहे हो? गुरु, वो पुलिस को फोन कर रही थी पता है? क्या? वो तो टाइम पे हमने उसका मोबाइल छीन लिया। अच्छा? ए, तुम लोग थोड़ा शांत होकर बैठो यार। मिस्टर यशवंत, वो आपके हाथों से बच कैसे गया? सर, उसने उस लड़की को गन पॉइंट पर रखा था। ये मैं जानता हूँ, पर उसके जाने तक आप वहाँ क्या कर रहे थे? सॉरी सर, आपने मुझे कस्तूरी भवन का ध्यान रखने को कहा, फिर भी मैंने आपके खिलाफ जाकर उसे पकड़ने की कोशिश की। Are you joking? मजाक कर रहे हैं आप? नहीं सर, अब तक मजाक हो रहा था, अब मैं एक्शन कैसे लूंगा ये आप खुद देखेंगे। ए, बस ये रुके, ये रुके। ए, चल निकल, आराम से बैठी है, चल निकल। ए रास्कल, स्टुपिड। पल्लवी, तुम्हें झूठ बोलना नहीं आता ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं। सच बता, कहां गई थी? पापा, मैं अपने एक फ्रेंड से मिलने कस्तूरी भवन गई थी, वहां वो अंबी नाम का गुंडा है ना, वो आ गया। देखो बेटा, मैंने तुम्हें एक बेटे की तरह पाला है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। अपना कर्म अपने साथ चलता है। मैं सोचता था कि दुनिया से अच्छाई नाम की चीज कब की मिट गई है, लेकिन एक गुंडे ने तुम्हें अपने घर सुरक्षित पहुंचाया है, मतलब आज भी इस दुनिया में कहीं ना कहीं अच्छाई जिंदा है। आप चुप रहिए पापा, लोहा ही लोहे को काटता है, आज नहीं तो कल पुलिस उसे हर हाल में पकड़ लेगी, आप भी ना पापा। अगर इस बार भी इस मोटे ने अंबी की तस्वीर ठीक से नहीं बनाई तो मैं इसको इसके गुरु के पास ऊपर भेज दूंगा। इस सांड को धोने के लिए ऐसे डंडे नहीं चलेंगे, दूसरे लेकर आओ, जाओ। तस्वीर बनी की नहीं हाथी के पिल्लों, अब की बार तो मैंने तुम्हें खुद उसका हुलिया बताया है, अच्छे से सोच कर बनाना, अगर जरा सी भी गलती हुई तो मेरे हाथों तुम्हारी पिटाई होने से। सर, आप जैसा कहे थे ना, बिल्कुल वैसा ही बनाया है सर, एकदम असली अंबी भी देख लेगा ना तो कहेगा कि क्या तस्वीर है क्या हम हैं, बस फाइनल टच देना बाकी है सर, देख लेता हूँ अभी। जरा भी गलती हुई तो टेंशन मैं तुम्हें दूंगा। आए, जल्दी से सामान पैक करके बाहर आ जाओ, हम बाहर खड़ा हूँ, ठीक है ना? ओके भैया।
सर, तस्वीर बन गया है, मेरा चेला आपको दिखा देगा, मैं जा रहा हूँ। रुकबे साले। सर, हमको पार्लियामेंट का तस्वीर बनाने का ऑर्डर मिला है, एडवांस ले लिया है सर, हम यूं गए और यूं आए। पहले मैं तस्वीर देखूंगा, बाद में तुझे जाने दूंगा। अब भैया चले जाएं। अबे वो काले भैंस। सर जी, मार कहाँ आ रहे हैं? वो अंबे की तस्वीर है। माँ कसम, उसी का तस्वीर है सर, आपने जैसा बताया था वैसा ही बनाया, अगर मैंने जो बनाया है वो गलत है तो आप कुत्ते। कुत्ता बोलता है सर, मत मारिए, चोट लगा। मैं उसकी तस्वीर पूरे शहर में लगवाना चाहता हूँ और तूने उसका फ्रंट बनाने के बजाय बैक बना दिया। क्या करें, हट रहे। अरे बाप रे, पिछवाड़े मत मारिए सर, आपने जैसा कहा था वैसा ही हमने पिक्चर बनाया हूँ, उसका फ्रंट पोजीशन भी बैक ही लगता है सर, फ्रंट कैसा है समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं? सर, इफ यू डोंट माइंड, फ्रंट के बदले बैक से काम चला लीजिए सर। वक्त ने हमारे साथ कल भी कैसा खेल खेला ना। क्यों, कल क्या हुआ? अम्बी है ना वो अम्बी। हाँ मैं हूँ ना। अरे आप नहीं, आप जैसे भले इंसान का नाम रखने वाला वो मुजरिम गुंडा अम्बी है ना, वो भाई जी, भाई जी नाम का एक डॉन है ना, उसका राइट हैंड अम्बी, उसने मुझे कल किडनैप कर लिया था। मेरी आंखों पर पट्टी बांधकर अपने अड्डे पर ले गया था। शुक्र है आज सुबह ही मुझे घर छोड़ दिया। अच्छा मैं बाद में फोन करूंगी, बाय। आएगी लाइफ में खुशी आएगी। हम भी उदास लग रहा है, चला देखते। क्या हुआ अम्बी, बड़े उदास लग रहे हो। क्या हो गया भाई? कल यहां जिस लड़की को लाए थे ना, वो और कोई नहीं है बल्कि पल्लवी है। ये क्या कह रहे हो बॉस? गुरु, अब आप क्या करोगे? पल्लवी बुरे अम्बी से नफरत करती है और अच्छे को पसंद करती है, इसलिए मैं उसे अपनी सच्चाई बता दूंगा। ओहो, उसे तुम बता दोगे कि तुम अम्बी हो ना, तो तुम्हारे बीच में जो प्यार चल रहा है वो भी खत्म हो जाएगा। आखिर मैं उससे सच्चाई कब तक छुपाऊंगा? हे भगवान, ऊपर वाले ने तेरी लव स्टोरी को पूरी तरह घुमा के रख दिया। कबूतरी आ आ आ, कबूतरी आ आ आ जा। तुम लोग मेरा रास्ता क्यों रोका? वो अपने भाई को थोड़ा, तुम तो कुछ बात करना है। मुझसे क्या बात करनी है, कहाँ है वो? भाभी वहाँ है। देखो यहाँ कोई पुलिस वाला नहीं है, ना ही तुम्हें चिल्लाने की जरूरत है। ए, तू मेरे पीछे क्यों पड़ा है? मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तू जैसे खूनी के साथ मैं क्यों बात करूँ? देखो गुस्सा मत करो, मुझे थोड़ा वक्त दो, मेरी बात तो सुनो। ए, अगर इसी वक्त तू यहाँ से गया नहीं तो मैं चिल्लाऊंगी, लोग इकट्ठा होंगे, तुझ जैसे गुंडे को जीने का कोई हक नहीं। तुमने कितने लोगों का सुहाग उजाड़ा होगा, कितने लोगों का घर बर्बाद किया होगा, कितने बच्चों को अनाथ किया होगा, उनकी हाय तुम्हें नहीं छोड़ेगी, नहीं छोड़ेगी। तुझ जैसे लोग अच्छी मौत भी नहीं मरेंगे। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, उस भाई जी नाम के राक्षस से दूर रहो, एक अच्छी जिंदगी जियो। तुम्हारी जिंदगी एक गन, छुरी, चाकू जैसे हथियारों के बीच बर्बाद हो रही है, समझने की कोशिश करो।
रास्ता छोड़ो। ये मामला ऐसे नहीं सुलझेगा। वहीं रुकिए, मैं अभी आई। माँ, माँ, मैंने अपने ऑफिस के अकाउंटेंट को खाने पर बुलाया है। उन्हें एड्रेस समझ में नहीं आ रहा। कॉम्प्लेक्स के पास खड़े हैं। मैं उन्हें लेकर आती हूँ। जल्दी आना। हाँ, हाँ सर, आ रही हूँ मैं। वहीं रुकिए सर। अम्बी, यहीं पर है। सच में? तू जाकर तो देख। वेरी गुड। ए, चलो अपना हथियार उठा लो रे। अरे मेरी तलवार कहाँ गई रे? ए सालों, गेम बजाने थोड़ी जा रहे हैं हम। अंदर रखो, अंदर रख। ए चल गाड़ी आगे ले। लगता है बहुत सीरियस लव स्टोरी चल रही है इनकी। बहुत सीरियस है। मेरी लव स्टोरी में ना गन ना तलवार, सिर्फ होगा प्यार ही प्यार। आइए आइए। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदाय नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आरती देखिए। ए शारदा, पल्लवी के ऑफिस से अकाउंटेंट आए हैं। वो पल्लवी आप ही को ढूंढने गई है। आप लीजिए। ओम नमो शिवाय। ओ आ गए बेटा, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। मैं आओ आओ, वो इधर आओ पल्लवी। हाँ पल्लवी आ जाएगी, तुम खाना खा लो। बैठ जाओ, शर्माओ मत, पल्लवी आ जाएगी। आराम से खाना बेटा, वो बिल्कुल संकोच मत करना, वो आ जाएगी, तुम खाओ। आप कंपनी अकाउंट देखते हैं ना? इस एडवर्टाइजमेंट से आपके चैनल का पर डे क्या इनकम होता है? हाथ पैर तोड़ने का 1 लाख, किडनैप करने का 2 लाख, हाफ मर्डर का 5 लाख और काम तमाम करना हो तो 10 लाख। आप जरा चुप रहिए, उसे आराम से खाने दीजिए, आप खाना खाइए। खैर ये बताइए, आपने अपने बाल इतने लंबे क्यों छोड़े हैं? इसकी जात का, खाना खिलाता है और सवाल पूछकर वसूल करता है। किसी मन्नत के लिए छोड़े होंगे। अरे पापा, ये आजकल का फैशन है। क्या मुंह छुपाना? मुझे पल्लवी से कुछ बात करनी थी। ए, तू मेरे घर में भी चला आया? चल पल्लवी, मेरी बात सुन। पल्लवी, उसे खाना दे दो प्लीज। पल्लवी, अरे उसे खाना तो खाने दो। जो अम्बी तुम्हें रोज फोन करता था वो मैं हूँ, मुझे तुमसे बात करनी है। तुम थे रास्कल? अगर मुझे पता होता तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करती। नीच कहीं के, तुमने हमारे घर में कदम रखने की हिम्मत कैसे की? दफा हो जाओ यहाँ। पल्लवी, पल्लवी, पल्लवी। आपको और क्या दूँ? मुझे कुछ नहीं चाहिए, थोड़ी खीर दे दे बस। हाँ मैं चलता हूँ, मुझे बहुत जरूरी काम है। हाँ? अरे बैठो ना। अरे पल्लवी, अरे, तुमने तो कुछ भी नहीं खाया। दरअसल ऑफिस में बहुत अर्जेंट काम है, मुझे जाना ही होगा। देखिए जी, इसने तो कुछ भी नहीं खाया। अरे कुछ नहीं, तो खाओ, रहने दीजिए, नेक्स्ट टाइम आकर कुछ तो खाकर जाओ। नहीं, नहीं, हाँ मैं चलता हूँ। कुछ तो खाकर जाओ बेटा, हमारी बात तो सुनो बेटा। अरे बेटा रुको तो, मान जाओ बेटा, हो रही है, मैं चलता हूँ। नहीं भाई, थोड़ी सी खीर तो खाकर जाओ, कुछ तो खाकर जाओ, मुझे जाना है, मैं बाद में खाऊंगा। बेटा पल्लवी को आने दो। अरे ये तो चला गया, लगता है हमारा खाना इसे पसंद नहीं आया। क्या पता। आप लोग बाहर क्यों खड़े हैं? वही बेटी, तुम्हारे ऑफिस का अकाउंटेंट आया था, बेचारा खाना खाए बिना ही चला गया। मेरे ऑफिस का अकाउंटेंट यहाँ सामने तो खड़े हैं। नमस्कार। नमस्ते। अरे रे, तो फिर जो आया था वो कौन था? सुनो जी, ऐसा लगता है मेरे हाथ का बना खाना खाने के लिए स्वयं श्री कृष्ण परमात्मा आए थे। छे, इन पापी आंखों ने उन्हें पहचाना ही नहीं। हे भगवान, फिर कब आओगे?
तुम्हारी कसम मैं ही आया था। तुम्हारा घर अच्छा लगा, तुम्हारे घर का खाना अच्छा लगा, तुम्हारे माँ बाप भी अच्छे लगे और तुम्हारी बहन तो बहुत ही अच्छी लगी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, तुमने मेरा इंतजार क्यों नहीं किया? तुमसे मिलना तो चाह रहा था लेकिन अचानक किसी जरूरी काम से फोन आ गया और जाना पड़ा। ठीक, मेरे घर के सभी लोगों ने तुम्हें देखा, सिर्फ मैंने ही नहीं देखा। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। मैं तुमसे भी जल्द ही मिलूंगा। उसी पल का मुझे बेसब्री से इंतजार है। तुमसे ज्यादा बेसब्री मुझे हो रही है। ए दीदी, गुड नाइट, कल बात करती हूँ। ए इधर आ, आज जो हमारे घर आए थे ना, वो दिखने में कैसे हैं? वो क्या, सफेद मूछें थी। ए वो नहीं, दूसरे, वो जो पहले आए थे ना, वो बहुत हैंडसम था दी, 6 फीट हाइट थी, मस्त कलर था, गोरे थे। पर ये बताओ, ये सब तुम क्यों पूछ रही हो? बस ऐसे ही। दीदी कौन है वो, लवर है क्या? कैसी बात कर रही हो, जाओ सो जाओ। नहीं बताओगी? ठीक है, मैं डैडी को बताती। ए प्लीज प्लीज डैडी को मत बताना, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने अभी तक उन्हें देखा नहीं है, सिर्फ फोन पर ही बात होती है और कुछ बात नहीं है बस। इसका मतलब वो तुम्हें पसंद है ना? क्या आंखें हैं, क्या तेज है, क्या गहराई है इनमें। ओए उठ बे साले, उठ बे साले। अरे भूत। मैडम हमने आपको कहीं देखा है, ऐसा लगता है। हाँ, कुछ दिन पहले गांधी पार्क में मेरी तस्वीर निकालूगा बोलकर मोहिनी की तस्वीर निकाली थी। हाँ, याद नहीं है क्या? ऐसा है लता जी, इस सांड को समझाना मेरे बस की बात नहीं। आप चाहे तो इसके साथ कुछ भी कीजिए, लेकिन इस सांड से उस गुंडे अंबी की फोटो बनवा के रहिए। सर आप एक मिनट के लिए बाहर जाइए, इस सांड से उस गुंडे अंबी की तस्वीर कैसे बनवानी चाहिए मैं खूब जानती हूँ सर। सर एंजॉय बेबी। शट अप मैडम, आप हमको मारेंगे का? नहीं नहीं। ए ये तस्वीर वगैरह बनाना तुम्हें किसने सिखाया? ये सब कौन सिखाता है, हमारे अंदर तो बाय बर्थ है। चुप बैठ, चल बोल। अभी बताता हूँ, 25 साल पहले की बात है, चारों ओर अंधेरा था, बिजली भी नहीं थी, उस दिन अमावस्या की रात थी, तब हम पैदा भी नहीं हुआ था ना। तुम्हारा कलर देखकर पता चलता है कि तुम अंधेरे में ही पैदा हुए होगे। शट अप। उसके बाद गांव का लोग हमको बाहर निकाल दिया। ए अपनी कहानी अपने पास ही रख, अंबी की तस्वीर बनाएगा या नहीं बोल। बनाऊंगा मैडम, कितनी बेवकूफ है, इतनी देर से मैं वही कर रहा हूँ, सभी आइडिया अंदर का अंदर दबा हुआ है, मैडम के लिए भी बाहर नहीं निकल रहा है, उन आइडियाज को निकालने के लिए भी आइडिया लगा रहा हूँ पर बनाऊंगा। तुमसे कैसे काम करवाना है मुझे अच्छी तरह पता है, अच्छी तरह पता है साले। मैडम हमको डंडा से मारिए, थप्पड़ हम बर्दाश्त नहीं करूंगा। बनाएगा या नहीं? अभी बनाता हूँ। ओए, अगर अच्छी तरह नहीं बनाए ना तस्वीर तो बच्चा चुराता है ये बोलकर पूरी जिंदगी सड़ा दूंगी जेल में, समझ गया ना? मैडम बस एक मिनट, जल्दी जल्दी बना। चकास। मैडम तैयार है। हा? इतनी जल्दी बना दिया? क्या करे, डंडा देख के अच्छा अच्छा का कला बाहर निकल आता है। ग्रेट हो तुम, मैंने बेकार में तुम पर जाती की। कोई बात नहीं। मैडम अचानक गिर क्यों गई, किसी ने जंतर मंतर तो नहीं कर दिया? हेलो, कल से टेलीकास्ट शुरू हो रहा है, मैं बहुत बिजी हो जाऊंगी। फर्स्ट क्राइम न्यूज में टॉपिक क्या है पता है? अंबी जिसने मुझे किडनैप किया था, जरूर देखना। पल्लवी एक बात पूछूं क्या? पूछिए। अगर वो किलर अंबी नहीं होता तो गिरफ्तार करवाती। जर्नलिस्ट के लिए दुनिया में हर रिश्ते से बढ़कर न्याय होना चाहिए, ऐसा मेरे पापा ने मुझे सिखाया है। न्याय के लिए चाहे तो मैं अपने माँ बाप को भी छोड़ सकती हूँ, मेरे इसी एटीट्यूड की वजह से चैनल शिफ्ट होती रहती हूँ। मुझे बुराई और बुरे लोग पसंद नहीं है। आप ऐसे सवाल मत कीजिए, मैं बहुत ही सीरियस हो जाऊंगी। हेलो मैडम, एडिटर साहब थोड़े सीरियस हैं, तुम्हें बुला रहे हैं। मैं बाद में फोन करूंगी, बाय। अगर वो किलर अंबी मैं ही होता तो?
तो गिरफ्तार करवाती। जर्नलिस्ट के लिए दुनिया में हर रिश्ते से बढ़कर न्याय होना चाहिए, ऐसा मेरे पापा ने मुझे सिखाया है। न्याय के लिए चाहे तो मैं अपने माँ बाप को भी छोड़ सकती हूँ। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, उस भाई जी नाम के राक्षस से दूर रहो, एक अच्छी जिंदगी जियो। तुम्हारी जिंदगी एक गन छुरी चाकू जैसे हथियारों के बीच बर्बाद हो रही है, समझने की कोशिश करो। पूरे साल भर पढ़ाई करने के बाद परीक्षाएं होती हैं, लेकिन जीवन एक अजीब किस्म का शिक्षक है। परीक्षा लेकर पाठ पढ़ाता है। अब तक सिर्फ भाई जी के लिए जीते आए हैं हम लोग, लेकिन अब हम अपने लिए जाएंगे। पल्लवी के सामने मैं बुरा हूं, लेकिन इस हाल में भीख मांगने की बजाय अच्छा बनकर उसका हाथ मांगने में कोई बुराई नहीं है दोस्तों। चाहे मुझे कुली का काम करना पड़े, लेकिन शाम को घर जाते वक्त उसके लिए कुछ लेकर जाया करूंगा। पल्लवी मेरा घर में इंतजार करेगी, आगे क्या कॉफी लाकर दूं क्या, ऐसा पूछेगी। इन चीजों में कुछ अलग ही सुकून है। कब कहां कौन सा दुश्मन पैदा हो जाए, कब किसी पुलिस की गोली का शिकार होंगे, इस तरह डर कर जीने की बजाय सरेंडर होकर शराफत की जिंदगी जीना बेहतर है। जीना अलग है, बसना अलग है। कुत्ते सिर्फ जिंदगी जीते हैं, जिंदगी बसाते नहीं। हम भी जिंदगी जी रहे हैं, जिंदगी बसाने के लिए सरेंडर करना होगा। मैंने सरेंडर होने का फैसला कर लिया है, बाकी तुम सबके ऊपर है। गुरु फोन है तेरा। ला मुझे दे। बोलिए भाई जी। जी हाँ ओके। भाई जी बेंगलोर आए हुए हैं। तो गया तेरा सारा, हे प्यार में गया है तुम्हारा, होश तो गया तेरा सारा। खुद की है तुझको खबर ही नहीं, दिल में जो तेरे है कहता नहीं। खलास हो फिनिश हो तू प्यार में, खलास हो फिनिश हो तू प्यार में, प्यार में गया है तुम्हारा, तो गया तेरा सारा। hey, 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 hey.
ना घबराए, प्यार से है बढ़कर ना कोई कहीं, दुनिया में प्यार नहीं तो कुछ भी नहीं, खुद की है तुझको खबर ही नहीं, दिल में जो तेरे है कहता नहीं, खलास हो फिनिश हो तू प्यार में गया है तुम्हारा, होश तो गया तेरा सारा, खुद की है तुझको खबर ही नहीं, दिल में जो तेरे है कहता नहीं, खलास हो फिनिश हो तू प्यार में। एक परदेसी मेरा दिल ले गया, जाते जाते मीठा मीठा बम दे गया, एक परदेसी मेरा दिल ले गया, जाते जाते मीठा मीठा बम दे गया, प्यार के लिए रावण सब कुछ हारा, से स्वर्ग सितारा पारा, स्वर्ग में भी जगह ना मिल पाई, नर्क में भी वो चैन कभी ना पाया, प्यार से है बढ़कर ना कोई कहीं, दुनिया में प्यार नहीं तो कुछ भी नहीं, खुद की है तुझको खबर ही नहीं, दिल में जो तेरे है कहता नहीं, खलास हो फिनिश हो तू प्यार में, गया है तुम्हारा, होश तो गया तेरा सारा, खुद की है तुझको खबर ही नहीं, दिल में जो तेरे है कहता नहीं, खलास हो फिनिश हो तू प्यार में, खलास हो फिनिश हो तू प्यार में, प्यार में गया है तुम्हारा, होश तो गया तेरा सारा। फ्रेंड्स, बॉम्बे आगरा जयपुर सिक्किम में मेरे अभी कुछ काम बाकी हैं, उन्हें खत्म करके मैं वापस इंडिया छोड़ दूंगा। मेरे यहां आने का मकसद यह है कि मुझ पर काम का बोझ ज्यादा है, ऊपर से 3 देशों की पुलिस मुझे कुत्तों की तरह ढूंढ रही है, पहले जैसे मैं यहां आते जाते नहीं रह सकता। आज के बाद आपको जो भी काम होगा सीधा अंबी को बोलिएगा। आज से अंबी ही मेरा उत्तराधिकारी होगा, द सन ऑफ डॉन। भाई जी, मैं जो कहने जा रहा हूं उसे गलत मत समझिए भाई जी, इतने सालों से मैं आपकी वफादारी से सेवा करता आ रहा हूं, आप अंबी को उत्तराधिकारी बनाए यह मुझे पसंद नहीं। जो मेरे खिलाफ हैं, मैं उन्हें पसंद नहीं करता। एक जंगल में एक ही शेर होना चाहिए। आज से हम भी ही कहलाएगा द सन ऑफ डॉन। ओके फ्रेंड्स, मेरी फ्लाइट का वक्त हो गया है, मैं चलता हूं। भाई जी, मुझे आपसे बात करनी है। बोलो। इतने साल आपने मुझे बेटे की तरह पाला है ना? सीधे क्यों नहीं बोलता अंबी, तू एक लड़की से प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है। तेरी उम्र में मैंने भी ये काम किया अंबी। एंजॉय। उसके माँ बाप ना माने तो मुझे बता देना। उसके माँ बाप का प्रॉब्लम नहीं है, वो खुद मुझे नहीं अपनाएगी। मैं कौन हूँ अगर उसे पता चल गया तो मुझे कभी नहीं अपनाएगी। इसलिए क्या सरेंडर होकर अप्रूवर बनना चाहते हो? हाँ भाई जी। तुम्हारा ये बदला हुआ होलिया देखकर ही मैं समझ गया था कि लड़का प्यार के चक्कर में पड़ा है। चाहे तो किसी भी चक्कर से बाहर निकल सकते हैं, पर प्यार के चक्कर से जहां भी रहो जैसे भी रहो खुश रहना, तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारी मर्जी है।
अगर इस भाई जी की याद आए तो एक फोन करना, हमारे बिना शादी मत करना। थैंक्स भाई जी। खुश रहो, जीते रहो। आप इतनी आसानी से मान जाएंगे मैंने सोचा भी नहीं था। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू माय सन। अब जाओ। नमस्कार एसीपी साहब। पांडवों ने दुर्योधन को हर जगह तलाश किया लेकिन वो नदी में छुपा हुआ था। मैंने भी तुम्हें शहर के हर कोने में तलाश किया लेकिन तुम तो मेरे ही घर पे सेटल्ड हो। ग्रेट। पांडवों के डर से दुर्योधन छुपा हुआ था पर मैं किसी से नहीं डरता। मैं अभी अभी तुम्हारे अड्डों को सीज करके आया हूँ और तुम मेरे घर पर ही सीज हुए हो। Isn't it God's game? भाई जी के बेंगलोर आने की खबर मैं जानता हूँ। उसने तुम्हें मुझसे समझौता करने को भेजा है या मेरा चैप्टर क्लोज करने को? नहीं सर, हम लोग सरेंडर होने के लिए यहाँ पर आए हैं। मजाक कर रहे क्या? नहीं सर, हम सब कल कोर्ट में सरेंडर होने वाले हैं। हमारा शिकार करना छोड़ दीजिए। You can proceed now. Your Honor, Ambrish Urf Ambi, Umesh Urf Tunga, Vijay Urf Viji, Khote Kishan, Matka Isha, Mohammed Topiwala. इन अपराधियों पर शहर में हुए कई सुपारी मर्डर केसेस का अपराध है। ये सब अपनी मर्जी से खुद को कानून के हवाले करने आए हैं। हेलो। तुम्हें पता है वो अंबी है ना, क्रिमिनल अंबी, वो सरेंडर हो गया है। अदालत में फोन करना अलाउड नहीं है। मैं 20 दिन बिजी हूँ, बाद में फोन करूंगा। 20 दिन? हेलो हेलो। इस केस को अगले महीने की 5 तारीख तक मुलतवी किया जाता है और तब तक अपराधियों को पुलिस कस्टडी में रखने का आदेश दिया जाता है। अंबी, अपना मोबाइल दो। रहने दीजिए ना सर। शट अप। अंबी, अंबी, मोबाइल दो। सिम कार्ड। ए, क्या? सर, ये आप क्या कर रहे हैं? सिम कार्ड खा लिए साले ने। अरे इसने तो सिर्फ सिम कार्ड खाया सर, हमारा वो कैदी था ना शिवा, पूरा का पूरा मोबाइल ही खा गया था। ठीक है, उसे खाने में यही दो। पकड़ो उसे। फॉलो। पीछे हटिए, पीछे। हमें बेल मिलने पर हम सब शिरडी जाने वाले। कोई स्पेशल है? अंबी का एक लड़की से प्यार हो गया पर वो लड़की नहीं जानती अंबी क्रिमिनल है। बुराई का रास्ता छोड़कर खुद को सरेंडर करके अपने कर्मों की सजा भुगत कर उस लड़की का प्यार पाना चाहता है। प्यार? बोली और क्या पूछना, जल्दी पूछिए, हमारे पास वक्त नहीं है। वो लड़की कौन है? वो लड़की कौन है? क्या कर रहा है तू? सर, मैं अंबी की लव स्टोरी सुना रहा हूं। शाहजा उसकी ताजमहल की कहानी सुना रहा है। वो लड़की कौन है? बोलो ना। मैडम प्लीज, नो मोर क्वेश्चन। कितनी बार बोलूंगा? नगर में एक लड़की के रेप पर मर्डर आप ही ने किया था ना? ए भाग साले कुत्ते, हम तुझे रेपिस्ट लगते हैं। कुत्ते की औलाद, जिस दिन मिलेगा ना तेरी टांग तोड़ दूंगा। हरामी साला, खुश शक्ल से रेपिस्ट लगता है। आज के बाद किसी गुंडे का इंटरव्यू नहीं लूंगा, देख लूंगा तुम्हें। Yeah.
हमारे आखिर आ गई। सर 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 प्लीज एक इंटरव्यू चाहिए। अरे मैडम, जिसने आपकी कनपट्टी पर बंदूक रखी आप उसी का इंटरव्यू ले रही हैं। तुम्हें कुछ नहीं होगा बीजी। अंबी को कुछ नहीं हो सकता। नहीं बीजी, तुझे कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा तुम्हें। धोखेबाज सारे हमारे साथ धोखा किया गुरु। गुरु मुझसे ज्यादा क्राइम तुम्हीं ने किया है ना। मैं तो सिर्फ तुम्हारा नाम लेकर लोगों पर रोक गाड़ता था। मैं मर के शायद स्वर्ग में ही जाऊंगा पर तुम नर्क में जाओगे। अगर मैं स्वर्ग में गया तो उनको पूछकर मैं भी नरक में आ जाऊंगा गुरु, क्योंकि अम्बी जा रहेगा वही मेरे लिए स्वर्ग है गुरु। चलता हूँ गुरु। बीजी 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 उठ नहीं है। अम्बी 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 सर अम्बी अम्बी सर सर सांस चल रही है सर, एम्बुलेंस बुलाइए सर। जल्दी एम्बुलेंस भेजो। थैंक्स। थैंक्स मुझे मत कहिए, इन्हें कहिए। हाय कैसे हैं आप? आराम से आराम से। सर आईजी साहब का फोन आया है। चलो थैंक्स। अगर आपको मेरा शुक्रिया करना है तो आपको मेरी मदद करनी होगी। कैसी मदद? आपके दोस्त बोल रहे थे कि आप सरेंडर हुए एक लड़की से प्यार पाने के लिए। वो लड़की कौन है? दरअसल वो क्या है कि अब तक आपके किए हुए क्राइम आपकी लाइफ के बारे में मुझे फुल डिटेल देंगे तो मैं उनका एपिसोड बनाकर चैनल में टेलीकास्ट करूंगी। इससे मेरा नाम भी होगा और हमारा चैनल भी पॉपुलर हो जाएगा। इसके लिए एसीपी साहब ने तो परमिशन दे दी है, आप भी मान जाइए ना। प्लीज मान जाइए ना। डॉक्टर ने 20 दिन हमें यहीं रहने को कहा है। हर एक दिन एक एक इंसिडेंट बताओगे तो भाभी से रोज मिलने को मिलेगा। ओके। यस। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। सॉरी 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 सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। यस। गुरु तुम ही तो कह रहे थे गुटखा खाना ठीक बात नहीं है और आज तुम ही खा रहे हो। गुटका क्यों खाया? उसे रोज फोन करने वाला मैं ही हूं, उसे पता नहीं चलना चाहिए, इसीलिए। गुरु
तुम मामूली आदमी नहीं हो। अम्बी ओ अम्बी, अब तक मैंने तुम्हारा चेहरा ही नहीं देखा, इसलिए इस पर तुम्हारा नाम लिख कर रखा है। 20 दिनों बाद तुम मुझे फोन करोगे कहा था ना, मैं इंतजार करूंगी। तुम्हारा फोन तो डेड पड़ा है, मुझे एक फोन नहीं कर सकते, इतना बिजी हो क्या? पल्लवी पल्लवी जल्दी आओ ना। तुंगा, तुझे कुछ नहीं होगा, डरना मत, हम सब तेरे साथ हैं, बेफिक्र रह। तुम क्या कह रहे हो, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, लेकिन फिक्र ना करो, यही कह रहे हो कि समझ आ रहा है। पता है ऑपरेशन थिएटर जाते वक्त मैंने एक कोट देखा था जिस पे लिखा था, इंसान के मरने के बाद भी उसकी आंखें, दिल, कान कुछ देर तक जिंदा रहते हैं, और अगर वो मर भी करना तो हमारी दोस्ती नहीं मरेगी ना, हमारी दोस्ती नहीं मरेगी ना। ए, ऐसी बातें क्यों कर रहा है? उस रात तुम्हें जगा कर परेशान किया था ना, आज भी वैसे ही परेशान करूंगा, अब सुनाई दे रहा है ना? तुंगा, तुंगा, क्या हुआ तुझे, बात करना। तुम आ बेटा, आ। मुझे पाला भी तुमने, गुंडा भी तुम्ही ने बनाया, लोगों की नजरों में मुझे बुरा आदमी बनाया, और फिर मुझे मिटाने के लिए अपनी फौज को भेजा। तुमने गलती कर दी भाई जी। जब जी चाहे आ जाओ, जब जी चाहे चले जाओ, गुंडागर्दी कोई दो रास्ते वाला हाईवे नहीं है, वन वे। यहां मेरी इजाजत के बिना एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। भाई जी, तुम समझते हो कि तुम दुनिया पर राज कर रहे हो, लेकिन मैं समझता हूं चाहे दुनिया पर कोई भी राज करे, फिर भी ये दुनिया मेरी ही रहेगी। जिस कुत्ते को मैंने पाला वो आज मुझ पे ही भोंक रहा है। तुमने कभी एक बात कही थी याद है, दुश्मनों को किसी भी वजह से जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए, इसीलिए यहां आया हूं, नहीं छोड़ूंगा। जिसे तुमने पाला वो ब्लेड नहीं, तलवार है। किसी भी देश के राज्य में हो, एरिया में हो, गली में हो, या किसी के हाथ में क्यों ना हो, तलवार एक ही काम करती है, काटना। जो मुझसे लड़ा वो समझो गया। अब खुद को बचाना है तो मेरे पास एक ही रास्ता है, तुम्हारा खात्मा करना। Come on, move, move. Hey, hey.
रुको अंबी भाई जी, ए ले जाओ इसे, चलो चलो। रिलैक्स अंबी, रिलैक्स। जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा तब तुम वहां नहीं थे। मैं तभी समझ गया कि तुम किसी को टपकाने गए हो, और वो भी तीन मुल्कों के पुलिस जिसे ढूंढ रही है उस भाई जी को। ग्रेट भाई जी अरेस्ट हो गए यार, एक बार भाई जी पकड़ा गया, भाई जी को पुलिस ने पकड़ लिया यार। भाई जी पकड़ा गया, भाई जी को पुलिस ने पकड़ लिया यार। हम भी और भाई जी के बीच में बहुत बड़ा लफड़ा हो गया। मोहन सर, ये फाइल कमिश्नर साहब के ऑफिस भेज दो। ओके सर। ये कौन है? अरे सर वही है ना अपना बेशरम रवि शर्मा, मतलब वर्मा। इसकी हालत ऐसे कैसे हुई? ये यहाँ क्या कर रहा है? सर आप ही ने तो कहा था जब तक ये अंबी की तस्वीर ना बनाए इसे नहीं छोड़ना, इसलिए तो नहीं छोड़ा। क्या रे, तस्वीर बनाई कि नहीं? बना दिए हैं और शायद आगे भी बनाते रहना होगा। मैं अच्छी तरह जानता हूँ सर, जब तक मैं अंबी की सही तस्वीर नहीं बनाऊंगा आप लोगों से छुटकारा कभी नहीं मिलेगा। अच्छा वैसे बना दी क्या? नहीं सर। अब दिखाएगा नहीं क्या? सर आप मुझे मारेंगे तो नहीं? तुझे मारूंगा भी नहीं और तुझे छोड़ भी दूंगा। प्रॉमिस कीजिए ना सर। माँ का प्रॉमिस। पेंटर। हाँ भैया। तस्वीर दिखाइए। ये लो। देखो। ये देखिए। चोटी बांधे या यूं ही छोड़ दें? मान गए। अंबी के मिलने के बाद तुमने उसकी तस्वीर बना ही दी। हाँ? अंबी मिल गया। थु 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 थु। ए! ये बताइए सर, मेरी मदद के बगैर वो आपको कैसे मिल गया? तुझे क्या करना है, अपना बोरिया बिस्तर बांध और यहाँ से निकल ले। सर मेरी मटन बिरयानी, पाया सूप, बोटी फ्राई। जय राम, इसे जो खाना खिला दो। जी सर। सर मेरी एक विनती है। क्या है? बाहर तस्वीर बनाने से मुझे कम से कम 500 रुपए मिलता है एक तस्वीर का, और मैंने आपके लिए यहाँ कितने पापड़ बेले हैं उसके लिए कम से कम 5000 रुपया तो मिलना ही चाहिए। क्यों? जयराम सर मुझे हाथ साफ किए कितने दिन हुए? सर आप गलत समझ रहे हैं, भला आपसे कोई पैसा कैसे मांग सकता है? आप लोगों को लेने की आदत है ना सर, मेरे पैसे से साहब को एक अच्छी सी पार्टी देना चलता हूँ। थू बिरयानी भी थूक कर गया। मुंह पोछ लो। भाई जी के पास कैसे पहुंचे? सभी बच्चों की तरह मैं भी हंस खेल कर जिंदगी बिता रहा था। करीब 15 साल पहले हमारे गांव में बहुत बड़ी बाढ़ आई थी, और उस बाढ़ की वजह से लोग भूख से तड़प रहे थे। तब माँ, पिताजी और मैं गांव छोड़कर बैंगलोर चले आए। मेरे पिताजी बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर के यहाँ बिगारी का काम करते थे। मेरे पिताजी अचानक एक दिन बिल्डिंग से गिरकर मर गए। मेरी गर्भवती माँ ने एक लड़की को जन्म दिया। तेरा नाम क्या है बच्चे? अंबी। तेरे अंदर गुस्सा है, हिम्मत है, आग है, इसे जाया मत होने देना। मतलब? मैं समझा नहीं। मेरे साथ चल, सब समझाता हूँ। इस केस की कार्रवाई हो चुकी है, इसका फैसला कल किया जाएगा।
एक मिनट, सॉरी, मैंने इतने दिन आपको बुरा इंसान समझा, लेकिन आप बुराई के रास्ते में गिरे, इसकी वजह क्या है ये आज मुझे पता चला। आप भाई जी के हाथों की कठपुतली बने रहे। आपकी कहानी सुनने के बाद जो भी गलतफहमी थी वो दूर हो गई। आपके दिल को दस्तक देकर, इंसानियत जगा कर अपने प्यार का बीज बोने वाली लड़की को हैट्स ऑफ, शी इज रियली ग्रेट। जब हम चाय का पहला घूंट पीते हैं ना, मीठा जरा कम लगता है और बहुत अजीब सा लगता है। हम शक्कर लेने के लिए जाते हैं और उसे डालते हैं वही चाय। पीते पीते पता चलता है कि मिठास तो नीचे जमी हुई है। प्यार भी ऐसा ही होता है, लेकिन जल्द पता नहीं चलता। पता नहीं उसे कब पता चलेगा। मुझे उस लड़की का नाम बताइए, मैं जाकर उसे मनाऊंगी। क्या वो मान जाएगी? क्यों नहीं मानेगी, अगर मैं उसकी जगह होती तो जरूर मान जाती। कल कोर्ट फैसला सुनाएगा मेरी जान का, और वो जो फैसला सुनाएगी मेरे जीवन का होगा। कल दोनों फैसले एक साथ होने दो, मैं कल बताऊंगा। सच्ची? अंबे, इस केस की कार्रवाई के बाद ये अदालत इस फैसले पर आई है कि लोगों पर जानलेवा हमला करना, कईयों का खून करना, काले धंधे और कई देशों में आतंक फैलाने के जुर्म में भाई जी को आईपीसी 302 के तहत यह अदालत मौत की सजा सुनाती है। अंबी और उसके साथियों के गुनाह साबित हुए हैं, पर इन्होंने ये गुनाह अपनी मर्जी से नहीं किए। सबूत और गवाही के बिना यह अदालत इस बात को मानती है कि भाई जी का शागिर्द रहकर समाज का एक कलंक कहलाने वाला अपराधी अंबी, उसके साथी मोहम्मद, किशन, आयशा, इन्होंने अपने आप को कानून के हवाले करके अच्छाई का सबूत दिया है। इस वजह से यह अदालत 7 साल कैद बा मुशक्कत की सजा सुनाती है। सजा काटने के बाद इन लोगों को भी और लोगों की तरह बेहतर सामाजिक जीवन जीने का मौका दिया जाए, ये अदालत का हुक्म है। सुनिए सुनिए, एक मिनट रुकिए ना प्लीज। अब तो बताइए ना वो लड़की कौन है, प्लीज प्लीज। बताइए ना, साहब बुला रहे हैं। बताइए ना, सुनिए। अबे नहीं यार, वैसा नहीं है यार, तू गलत समझ रहा है। कैसी बात कर रहा है यार? अंबी को कई बार पूछने पर भी उसने उस लड़की का नाम नहीं बताया। देखिए, प्यार का इजहार ना करना पाप है, लेकिन छुपाना उससे भी बड़ा पाप। प्लीज बताइए ना वो लड़की कौन है, मैं जाकर उसे मनाऊंगी। प्लीज। अब भी नहीं बताया तो उस लड़की का नाम पल्लवी है। एक फोन नंबर बताने से आप खुद ही जान जाएंगी। 9654171532। एनीवे, जिस दिन तुम रिहा होगे, आई विल बी द फर्स्ट मैन टू विश यू ऑल द बेस्ट। सर सर सर, रुको सर। सर, इस बार आपने अंबी को पकड़ ही लिया। मैंने कहां पकड़ा? हैं? मैं जहां भी जाता हूं, वहां के गुंडे खुद ही सरेंडर कर देते। पर फिर भी सर, इस बार गोल्ड मेडल जरूर मिलेगा सर। हमें कुछ नहीं देंगे सर। एक काम करना, जब मुझे गोल्ड मेडल मिल जाएगा तो घर आके उसे चूम लेना।
अगर वो किलर अंबी मैं ही होता तो मेरे घर आकर कोई खाना खा कर गया। तुम्हारी कसम मैं ही था। कल कोर्ट फैसला सुनाएगा मेरी जान का, और वो जो फैसला सुनाएगी मेरे जीवन का होगा। आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? वो लड़की कौन है ये मैं जान गई हूँ। मैं क्रिमिनल हूँ ये जानते हुए भी वो मुझे अपनाएगी क्या? उस क्रिमिनल में एक अच्छा इंसान बसा हुआ है। उस इंसान में प्यार बेशुमार है ये जानने के बाद वो क्या उसका बाप भी अपनाएगा? मैंने तो अपना लिया। वो मेरे लिए 7 साल इंतजार करेगी? 7 साल नहीं, 7 जन्म तक वो तुम्हारा इंतजार करेगी। इस दिल में तू ही तू, इस दिल में तू ही तू, प्यार है तुमसे अब मैं क्या करूं। मन को लगे प्यारा तू, मन को लगे प्यारा तू, इश्क है तुमसे क्या अब मैं करूं। दिल की दीवानगी से मिलते हैं जग में दो प्रेमी। इस दिल में